दोनों ही चैलेंजर खतरनाक है, एक तरफ पिंटू जी और एक तरफ राहुल जी। यहाँ पर देख सकते हैं भाई पिंटू जी यहाँ पे एकदम टेक्निक लगा चुके हैं भाई साहब जीतने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी भाई साहब तब भी आके चल रहे हैं यहाँ पर देख सकते। हेलो फ्रेंड, अमेजिंग आज ग्रा यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के जो हमारा ईटिंग चैलेंज होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन करी और रोटी खाने का चैलेंज होने वाला है। इस चैलेंज में देख सकते हैं राहुल जी और पिंटू जी बैठ चुके हैं खाने के लिए भाई साहब। आज का भाई साहब देख सकते हैं 600 रुपये का भाई साहब इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 6 मिनट के अंदर बाहुबली थाली को भाई जो फिनिश करेगा चिकन करी और रोटी खा के, उसी को भाई साहब 600 रुपये का नगद पुरस्कार अमेजिंग अजगरा की तरफ से दिया जाएगा। आप दोनों लोग तैयार हैं? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही चैलेंजर भाई साहब जोश से भरे हुए हैं। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करके बताइए राहुल जी जीतेंगे कि पिंटू जी जीतेंगे। भाई साहब देख सकते हैं पिंटू जी बहुत ही खतरनाक भाई साहब हैं चैलेंजर है, और राहुल जी को भाई साहब जानते होंगे भाई साहब बहुत ही खतरनाक राहुल जी भी हैं भाई। दोनों ही चैलेंजर में भाई साहब बड़ा मुकाबला है भाई साहब। 600 रुपया जीत के ले जाइए और चिकन करी और रोटी खा के। चलिए देर न करते हुए टाइमर को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप दोनों लोग तैयार हैं? चलिए शुरू हो जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं चिकन करी और रोटी खाने का भाई चैलेंज है। इस चैलेंज में देख सकते हैं एक तरफ पिंटू जी और एक तरफ राहुल जी बैठ चुके हैं खाने के लिए भाई चिकन करी और रोटी। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही चैलेंजर भाई साहब खतरनाक हैं, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पिंटू जी भाई जानते हैं बहुत ही भारी चैलेंजर पिंटू जी और राहुल जी हैं भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ राहुल जी और एक तरफ पिंटू जी में भाई साहब आज फिर से एक बार मुकाबला होने जा रहा है भाई साहब चिकन करी और रोटी में भाई साहब। इस चैलेंज में जो भाई साहब 6 मिनट के अंदर 7 गोल यहाँ पर देख सकते हैं 7 गोल रोटी रखा गया है और चिकन करी रखा गया है, जो 6 मिनट के अंदर खा के जो कंप्लीट करेगा उसी को भाई 600 रुपये का नगद पुरस्कार अमेजिंग अजगरा की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब 2-2 रोटी भाई साहब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी का भाई साहब 2 रोटी खत्म हो चुकी है, 3री रोटी भाई साहब राहुल जी लपटे हुए हैं। और देख सकते हैं पिंटू जी का भाई साहब 2 रोटी खत्म हो गया है भाई साहब। दोनों ही चैलेंजर भाई साहब बराबरी में चल रहे हैं। दीपक जी क्या लग रहा है आज कौन जीत के भाई साहब 600 रुपये की राशि जीत के ले जाएगा अमेजिंग अजगरा की तरफ से और कौन खाली हाथ घर जाएगा? लग रहा है आज खाली हाथ पिंटू जी ये जाएंगे क्योंकि कई बार से जीत चुके हैं, इस बार तगड़े मुकाबले वाले भी मिले इनको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी भाई साहब बहुत ही भारी चैलेंजर्स हैं भाई साहब। राहुल जी अभी हारे एक भी बार नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भाई चैलेंजर बहुत ही खतरनाक है। देख सकते हैं बराबरी में भाई इस समय चल रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। 7 रोटी और चिकन करी खाइए और 600 रुपये का नगद पुरस्कार अमेजिंग अजगरा की तरफ से ले जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ राहुल जी और एक तरफ पिंटू जी। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब चिकन करी और रोटी कैसा बना है। यहाँ पर देख सकते हैं पिंटू जी का इशारा भाई मूडी का देख सकते हैं। राहुल जी आप नहीं बोले हैं, ठीक बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब अगर नमक और ग्रेवी चाहिए तो कटोरी में रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब कटोरी में अगर ग्रेवी चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 रोटी राहुल जी का भाई साहब खत्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब 2 मिनट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चैलेंजर का भाई साहब 5-5 रोटी खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2-2 रोटी बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 2 मिनट अभी हुआ है। देख सकते हैं भाई साहब अभी 20 बचा हुआ है। यहाँ पर दोनों ही चैलेंजर खतरनाक है, एक तरफ पिंटू जी और एक तरफ राहुल जी। यहाँ पर देख सकते हैं भाई पिंटू जी यहाँ पर एकदम टेक्निक लगा चुके हैं भाई साहब जीतने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी भाई साहब तब भी आके चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब 600 रुपये की राशि कौन जीत के ले जाता है और कौन खाली हाथ घर जाता है। यहाँ पर राहुल जी पानी का सहारा लेते हुए, और ग्रेवी चाहिए तो राहुल जी आप ग्रेवी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं चाहिए तो मत लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पिंटू जी भाई साहब पीछे चल रहे थे लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पिंटू जी लपटना शुरू कर दिए भाई साहब। पिंटू जी हारना नहीं चाहते हैं। पिंटू जी जिस पर भाई जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर भाई जो भी बैठता है समझ लीजिए उसका भाई विनर तय है भाई साहब, उसका जितना भाई तय है। दीपक जी क्या लग रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं एक एक रोटी बचा हुआ है दोनों चैलेंजर के पास। दीपक जी बताइए क्या होगा आगे चलकर भाई साहब? अभी तो लग रहा है कि पिंटू जी ही बाजी मार ले जाएंगे क्योंकि राहुल जी पीछे हो गए। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी भाई साहब एकदम पीछे हटना नहीं चाहते हैं भाई साहब। और पिंटू जी भाई साहब देख सकते हैं एक एक रोटी बचा हुआ है भाई साहब, मुश्किल से भाई साहब 2-2 बाइट बचा हुआ है और एक लेग पीस देख सकते हैं राहुल जी में और एक पीस बचा हुआ है पिंटू जी में। भाई साहब देख सकते हैं एक लेग पीस और थोड़ा सा भाई साहब पीस बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब 2-2 बाइट बचा हुआ है, 2-2 बाइट बचा हुआ है। यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। राहुल जी भाई साहब पीछे हटना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चैलेंजर लेग पीस पर भाई साहब टूट पड़े हैं भाई साहब। देख सकते हैं भाई साहब 600 रुपये का भाई भारी भरकम इनाम जीतने के लिए यहाँ पर दोनों चैलेंजर भाई साहब अपने में भाई साहब जूझ रहे हैं और जो भी भाई जीतेगा उसी को भाई साहब 600 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ पिंटू जी एक तरफ राहुल जी भाई दोनों ही चैलेंजर खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं पिंटू जी भाई जीत के करीब में पहुंच चुके हैं भाई साहब। एक पीस बचा हुआ है, एकदम बाहुबली थाली को एकदम क्लीन कर दीजिए, ऐसा लगे कि उसमें भाई साहब कुछ रखा ही नहीं गया। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी भाई कुछ पीछे चल रहे हैं और पिंटू जी भाई यहाँ पर देख सकते हैं 7 रोटी भाई कंप्लीट कर चुके हैं खाकर, और भाई देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ा सा बचा हुआ है और पीछे भाई साहब लपट चुके हैं। यहाँ पर राहुल जी थोड़ा पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक पीस बचा हुआ है, यहाँ पिंटू जी भाई साहब लपट चुके हैं भाई साहब। बाहुबली थाली को एकदम क्लीन करने पर
यहाँ पर देख सकते हैं भाई, तालियों का स्वागत कर दीजिए पिंटू जी के लिए। भाई साहब यहाँ तालियों का स्वागत कर दिए। राहुल जी यहाँ पर थोड़ा पीछे हो चुके हैं। भाई साहब यहाँ पर 6 मिनट का टारगेट दिया गया था। भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिनट के अंदर यहाँ पर पिंटू जी खा के भाई साहब 600 रुपये की राशि जीत चुके हैं। और राहुल जी भाई साहब देख सकते हैं थोड़ा उसमें पीस रह गया, थोड़ा ग्रेवी रह गया, इसके कारण राहुल जी आज हार चुके हैं। और पिंटू जी यहाँ पर 700 रुपये की राशि जीत चुके हैं। हाथ मुँह धो लीजिए तो बात करते हैं भाई साहब। आइए राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी क्या कारण हुआ कि खा नहीं पाए? भाई साहब क्या कारण हुआ राहुल जी खा नहीं पाए आप? पीस रह गया था बस, देख सकते हैं भाई साहब थोड़ा सा बस पीस बचा था भाई साहब, एक पीस बचा था राहुल जी के पास, इसके कारण भाई राहुल जी हार चुके हैं। 600 रुपया राहुल जी से भाई हाथ से चला गया है। आइए पिंटू जी से बात करते हैं। भाई साहब इतना जल्दी भाई साहब यहाँ पर 6 मिनट का भाई टारगेट रखा गया था। और पिंटू जी यहाँ पर देख सकते हैं भाई 4 मिनट के अंदर यहाँ पर दोनों चैलेंजर भाई साहब फिनिश करने वाले थे, लेकिन पिंटू जी कुछ भाई टेक्निक लगा के भाई साहब ग्रेवी में रोटी भाई साहब भोर के पहले ही लपेट गए, इसके कारण यहाँ पर पिंटू जी विन कर चुके हैं। आइए पिंटू जी को 600 रुपये की राशि दे देते हैं। आइए पिंटू जी को भाई 600 रुपये की राशि दे देते हैं। पिंटू जी लीजिए, आपको जीत के कैसा लग रहा है पिंटू जी? अच्छा लग रहा है। लग रहा था कि राहुल जी को हरा दूंगा? नहीं नहीं, शुरू में तो चाप रहे थे इसलिए मैं सोचा कि मैं हार जाऊंगा आज, लेकिन फिर मैं सोचा कि भाई 600 का बात है ले लेते हैं इसको भी। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भाई शानदार तरीके से यहाँ पिंटू जी यहाँ पर विन करके 600 रुपये की राशि जीत चुके हैं। ये इस चैलेंज में आने के लिए आप दोनों चैलेंजर को भाई साहब धन्यवाद। चलिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा बना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए और प्यारा से कमेंट करिए। एक मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।